नमस्कार दोस्तों, येली सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज स्टूडियो में बात करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी रिसेंटली सीएससी ने स्टार्ट किया है एक प्रोग्राम जिसके भीतर कुछ वीएलईज को निःशुल्क फिंगरप्रिंट स्कैनर, लगभग जो 3000 रुपये का मार्फो का फिंगरप्रिंट स्कैनर डिवाइस है वो फ्री में दिया जा रहा है। तो आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये किन वीएलईज को दिया रहा है और कैसे मिलेगा, आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, नए वीएलई को मिलेगा या पुराने को मिलेगा, पूरा जो भी अपडेट है किस आधार पे दिया जा रहा है वो भी मैं इसमें बताऊंगा। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ पे मैंने आपको वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप का भी लिंक दे दिया, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे इस अपडेट का, ये मार्फो डिवाइस को पाने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे मिलेगा, उसका भी लिंक मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। वहां से विजिट करके वीएलई सोसाइटी वेबसाइट पे इसके बारे में भी पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी बिना देर के सबसे पहले मैं दिखा देता हूं, जैसे कि आपको सोशल मीडिया पे कई सारे सीएससी के जो ग्रुप्स हैं या कई सारे ट्विटर हैंडल्स हैं उन पर देखने को मिला होगा कि कई सारे जिलों में जो है कॉमन सर्विस सेंटर में लोगों को बैंकिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो नए वीएलई जिनको भी नया सेंटर मिल रहा है और उनको जो है फ्री में जो मार्फो फिंगरप्रिंट डिवाइस वगैरह है वो भी दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि देखोगे महिला सीएससी संचालकों को निःशुल्क मार्फो डिवाइस का वितरण किया गया। ठीक है, तो इसमें जिला प्रबंधक जो भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं सीएससी के उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन ये मार्फो डिवाइस जो होता है वो किस बेसिस पे दिया जा रहा है और किनको दिया जा रहा है उसको बताने के लिए यहाँ पे ये सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि नीचे दिए गए लिंक से जाके ये मैटर आप पढ़ो, जिससे आपको और क्लियरली समझ में आए। लेकिन मैं यहाँ पे आपको मेन जो बेसिक पॉइंट है वो बताए दे रहा हूँ कि ये मार्फो डिवाइस किस बिहाफ पे और कौन से वीएलईज को दिए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जैसे कि लिखा हुआ है, ग्रामीण स्तर पर लोगों को बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस जैसी सुविधाओं को आसानी से मिले, इसको लेकर प्रखंड यानी कि ब्लॉक में स्थित सभागार भवन में मंगलवार को सीएससी की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें स्वयं सहायता समूह सीएसजी, ठीक है, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं उपस्थित थीं। जिला प्रबंधक आलोक आनंद ने बताया कि आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों को टक्कर दे रही हैं, मगर कहीं ऐसा भी है कि महिलाओं के आत्मनिर्भर ना होने के कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इन हालातों से निपटने के लिए महिलाओं को सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की तरफ से कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी खोलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सरकार की यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफ़ी उपयोगी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएससी के माध्यम से गांव-गांव में महिलाएं बैंकिंग, फाइनेंस, पेंशन सेवा, आधार, कौशल विकास, बिजली बिल भुगतान, रेलवे टिकट, स्वास्थ्य सेवाएं, इंश्योरेंस आदि की सेवाएं दे सकती हैं, जिससे गांव के लोगों को इन सेवाओं के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा एवं महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। वही कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं के बीच निःशुल्क मार्फो डिवाइस का वितरण किया गया। मौके पर स्टेट के जो भी सीनियर एग्जीक्यूटिव सोनीलाल साहा, जिला प्रबंधक आलोक आनंद, जिला कोऑर्डिनेटर शुभम गुप्ता आदि उपलब्ध थे। ठीक है, और इसी के साथ में देखोगे दूसरे वाले में भी ये लिखा हुआ है, प्रखंड कार्यालय सभागार में मंगलवार को कॉमन सर्विस सेंटर की जो भी जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजन हुआ। स्टेट बैंकिंग टीम सोनेलाल साहा ने सीएससी बैंक संचालिकाओं को बैंकिंग सहित अन्य जानकारी दी। साथ ही यहाँ पे निःशुल्क मार्फो डिवाइस का वितरण किया गया और मौके पर जो जो लोग उपलब्ध रहे उनके बारे में दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको जब भी आपने देखा होगा यहाँ पे तो एक नया वर्ड आ रहा है इसमें, स्वयं सहायता समूह। ठीक है, तो ये जो नया मार्फो फिंगरप्रिंट डिवाइस दिया जा रहा है मुफ्त में वीएलईज को, वो आम वीएलईज को नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे महिला वीएलईज जो भी हैं, जो भी जैसे कि आपने देखा होगा नया कॉमन सर्विस सेंटर, जो भी महिलाएं अप्लाई कर रही हैं उनको पुरुषों की अपेक्षा जल्दी से अप्रूवल मिल जा रहा है। तो यहाँ पे इसका सीधा यही है कि महिलाओं को सरकार बहुत प्रमोट करना चाहती है अभियान के जरिए, कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे सिर्फ अगर आप महिला वीएलई हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे ये नहीं दिया जा रहा है मार्फो डिवाइस। यहाँ पे दोस्तों एक आपने वर्ड देखा है सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि एसएसजी, सीएससी के माध्यम से कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप का रजिस्ट्रेशन करोगे, तो उसको जानने के लिए गूगल पे जाके सर्च कर लेना सीएससी सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो यहाँ पे देखोगे सेल्फ हेल्प ग्रुप रजिस्ट्रेशन सीएससी 2020, इसका पूरा आर्टिकल लिखा हुआ मिल जाएगा जहाँ से इसके बारे में आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हो कि कैसे ये बनता है, क्या क्या स्ट्रक्चर रहता है, क्या क्या जरूरत रहती है इसको बनाने के लिए और क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं जो कॉमन सर्विस सेंटर खोल रही हैं या जिनको भी सरकार की तरफ से खुलवाया जा रहा है, यानी कि ब्लॉक के लोग मिलके भी कॉमन सर्विस सेंटर की जो भी ब्लॉक में हर गांव में एक समूह चलता है महिलाओं का, जिसमें 8 से 10 महिलाएं मिलके अपना कुछ बचत करती हैं, उससे कोई काम धंधा करती हैं, फिर पैसे कमाती हैं, वही वाले समूह के जितने भी सरकार की तरफ से बनाए जा रहे हैं वीएलई उनको, या फिर वो डायरेक्टली नया वीएलई आईडी अप्लाई कर रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, तो उनको सरकार की तरफ से प्रोत्साहन के रूप में एक मार्फो डिवाइस दिया जा रहा है जो आपकी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के द्वारा आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप एक महिला वीएलई हैं तो आप आसानी से एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकती हैं 8-10 महिलाओं को लेकर अपने गांव की, ताकि उनका भी विकास हो सके और साथ ही आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के कांटेक्ट में रहेगा तो आपके यहां पे जब भी ऐसी कोई वर्कशॉप होगी तो आपको भी इसका लाभ मिल सकता है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लिंक दे दिया वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर पूरा कॉन्सेप्ट जरूर पढ़िएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ सभी दोस्तों जरूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं इसके नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।